हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के बेसिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल क्या होता है और किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से ये सिखाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। हमें यहाँ पर 2/3 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है स्टूडेंट्स कि किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। देखिए 2/3 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2/3 के रेसिप्रोकल से, यानी 3/2 से। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे, 2 1 2 एंड 2 1 2। और यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, ये भी आपस में कट जाएंगे, 3 1 3 एंड 3 1 3। देखिए न्यूमरेटर में 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 × 1 न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 1 × 1 यानी कि 1 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में हम 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने 2/3 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से तो हमें आंसर मिला 1। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे लिया जाता है। अब यहाँ पर जो 2 है ये फ्रैक्शन के रूप में तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि इसमें तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो आप इसको भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, 2/1। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 देखिए यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये 2 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने देखा कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। 2/3 का रेसिप्रोकल अगर 3/2 है तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा। अब हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। तो हमें 3/4 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 2:2/5। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें 2:2/5 का रेसिप्रोकल चाहिए और ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले आपको इसे चेंज करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 5 to the 10, 10 + 2 = 12 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 12 आ गया, अपॉन में ये 5 है तो ये अपॉन में 5 एज इट इज आ गया, यानी कि 2:2/5 को ही हमने कैसे लिख दिया है, 12/5। और 12/5 का रेसिप्रोकल अब हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस 5 को ऊपर यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे और इस 12 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो यहां पर देखिए 12/5 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो होगा 5/12। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स कि किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड किया जाता है और किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है, और अगर आपको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अगर आप एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे किया जाता है, हम आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, 1/1/2। देखिए 1 एक होल नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, जो कि एक फ्रैक्शन है। तो इसका मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर है यानी डिवाइड की जो लेफ्ट साइड है इसको आप यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और डिवाइड के बाद आपको जो ये 1/2 दिया हुआ है आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। देखिए
ये वन यहाँ पर एज इट इज रहा, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और वन अपॉन टू का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। टू ऊपर आ गया और वन नीचे आ गया, और डिनोमिनेटर में हम वन लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्या बन गया, वन मल्टीप्लाई बाय टू, और वन इंटू टू क्या होता है, टू। यानी कि जब हमने वन को डिवाइड किया वन अपॉन टू से, तो हमें आंसर मिला है टू। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, थ्री डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर, यानी हमें थ्री को डिवाइड करना है वन अपॉन फोर से। तो डिवाइड से पहले जो ये होल नंबर है थ्री, इसको यहाँ एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो वन अपॉन फोर है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये फोर ऊपर चला जाएगा और वन नीचे, तो देखिए फोर न्यूमरेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आया, वन, और डिनोमिनेटर में वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थ्री इंटू फोर करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो अब आप कह सकते हैं कि जब हमने थ्री को डिवाइड किया वन अपॉन फोर से, तो हमें आंसर मिला 12। यहाँ पर आपने एक बात और याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि ये जो मेथड है जिसमें हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, और डिवाइड से राइट साइड में जो नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये हम तभी करते हैं जब आप दो ऐसे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं जिनमें से कोई एक फ्रैक्शन में है, सिर्फ तभी आप ये मेथड यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फाइव डिवाइडेड बाय फाइव अपॉन टू। तो डिवाइड से पहले जो ये होल नंबर है फाइव, इसको यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो ये फ्रैक्शन है फाइव अपॉन टू, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। टू ऊपर चला जाएगा और फाइव नीचे आ जाएगा। देखिए फाइव अपॉन टू का रेसिप्रोकल क्या हो गया, टू अपॉन फाइव। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में फाइव है और यहाँ डिनोमिनेटर में फाइव है, ये दोनों आपस में कट सकते हैं, ये दोनों ही फाइव के टेबल में आते हैं। तो फाइव वन दा फाइव एंड फाइव वन दा फाइव। अब न्यूमरेटर में क्या बचा, यहां पर वन और यहां पर टू, तो वन इंटू टू करेंगे आपको टू मिलेगा। यहाँ फाइव के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब वन है, तो वन इंटू वन करेंगे तो डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में वन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम कह सकते हैं कि फाइव को जब हमने डिवाइड किया फाइव अपॉन टू से, तो हमें आंसर मिला टू। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यानी अगर आपको एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है एक होल नंबर से, तो आप ये डिवीजन कैसे करेंगे। तो हम आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं, थ्री अपॉन फोर डिवाइडेड बाय थ्री। देखिए यहां पर आप थ्री अपॉन फोर यानी एक फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं थ्री से, यानी कि एक होल नंबर से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड से पहले जो ये नंबर है थ्री अपॉन फोर, इसको एज इट इज यहां पर लिख लेंगे, थ्री अपॉन फोर एज इट इज आ गया। डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड की राइट हैंड साइड में जो ये थ्री है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, इस थ्री के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन है। तो थ्री अपॉन वन का रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे, वन को ऊपर ले जाएंगे और थ्री को नीचे। तो देखिए थ्री का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री। जो यहाँ नीचे वन था वो न्यूमरेटर में चला गया देखिए, और जो न्यूमरेटर में थ्री था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन थ्री हमें मिल गया है। अब यहां पर न्यूमरेटर में थ्री है और यहां डिनोमिनेटर में भी थ्री है, तो ये दोनों थ्री आपस में कट सकते हैं, थ्री वन द थ्री एंड थ्री वन द थ्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में वन है, यहां भी न्यूमरेटर में वन है, तो न्यूमरेटर को अब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो वन इंटू वन, न्यूमरेटर में वन आ जाएगा, यहां डिनोमिनेटर में फोर है, यहां डिनोमिनेटर में वन है, फोर इंटू वन फोर होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में फोर आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने थ्री अपॉन फोर को डिवाइड किया थ्री से, तो हमें आंसर मिला वन अपॉन फोर। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, टू अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय सेवन। तो डिवाइड से पहले जो ये नंबर है टू अपॉन थ्री, इसको हमने एज इट इज रखा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और सेवन का अब हम रेसिप्रोकल करेंगे। सेवन अकेला नहीं है स्टूडेंट्स, इसके नीचे वन है, तो वन ऊपर चला जाएगा और सेवन नीचे आ जाएगा, तो सेवन का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन सेवन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में टू है, यहाँ डिनोमिनेटर में सेवन है, ये तो आपस में कट नहीं सकते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टू इंटू वन टू होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में टू आ जाएगा, और थ्री इंटू सेवन 21 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि टू अपॉन थ्री को जब हमने डिवाइड किया सेवन से, तो हमें आंसर मिला टू अपॉन 21।
नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, यानी कि अगर आपको एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से तो हम कैसे करेंगे। हम आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5। अब देखिए 1/3 डिवाइड हो रहा है 6/5 से, 1/3 भी फ्रैक्शन है और 6/5 भी फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिवाइड से लेफ्ट साइड में जो ये नंबर है 1/3, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड से राइट हैंड साइड में जो ये नंबर है 6/5, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6, 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 6/5 का रेसिप्रोकल यहां पर हमने लिख दिया 5/6। अब हमें क्या मिल गया है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ न्यूमरेटर में 5 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, ये 5 और 3 तो आपस में कट नहीं सकते, तो हम सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, 1 × 5 5 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 5 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, 3 × 6 18 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 18 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 1/3 को डिवाइड किया 6/5 से तो हमें आंसर मिला 5/18। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 8/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो डिवाइड से लेफ्ट हैंड साइड में जो ये नंबर है 8/5, इसको हम यहां पर एज इट इज लिख देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड से राइट साइड में जो ये नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 8 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, ये 8 और 2 आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटते हैं। अब हम 8 और 2 को आपस में सोल्व कर देंगे, देखिए 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = 8। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, तो अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 4 × 3 = 12 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 12 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 5 × 1 = 5 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 आ गया। तो 8/5 को जब हमने डिवाइड किया 2/3 से तो हमें आंसर मिल गया है 12/5। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, यानी हमें 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो डिवाइड से पहले जो ये फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स 1/2, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद जो ये फ्रैक्शन गिवन है 3/4, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने 3/4 का रेसिप्रोकल लिख दिया है 4/3। अब यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 4 है और यहां डिनोमिनेटर में 2 है, 4 और 2 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों ही 2 से कटते हैं। तो देखिए 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। अब यहां पर न्यूमरेटर में 2 है, यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 3 है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 आ गया, और 1 × 3 3 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 1/2 को डिवाइड किया 3/4 से तो हमें आंसर मिल गया है 2/3। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।